साइंस टू एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था उसके बारे में विल भी डिस्कसिंग अगर एंड ऑफ द लेसन हर एक लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ लेकिन अगर कोई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया आई एम नॉट मैंशन इन दोज वीडियोज आई भी मैंशनिंग दोज ऑल्सो इन दिस वीडियोज तो लेसन नंबर वन साइंस टू लेसन नंबर वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आस्ड इन द बोर्ड एग्जाम फर्स्ट वन नेम द फॉलोइंग I am a connecting link between reptiles and mammal. Who am I? तो आंसर क्या है? Duck billed platypus. ये मार्च 2020 में पूछा गया था. Next one. कंप्लीट द को रिलेशन विजडम टीथीजल ऑर्गन है तो लंग फिश क्या है लंग फिश का आंसर क्या रहेगा कनेक्टिंग लिंग ये सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का बोर्ड एग्जाम में पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये तीन मार्क के लिए पूछा है देर आर थ्री क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वॉट यू मीन बाय सेंट्रल डॉग आंसर है इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथिस स्टोर इन डी एन ए एंड

As per the nucleotide sequence present in DNA is called transcription. The nucleotide sequence on mRNA is complementary to that of the single DNA strand used in synthesis. Instead of thymine, mRNA possess uracil. ये page number वन टेक्सटबुक का पेज नंबर वन में ये आंसर दिया है. Third question जो पूछा था वो क्या है? What is

और ये टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर वन का एंड में जो एक्सरसाइज है वो क्वेश्चन वन है क्वेश्चन वन भी सेम ही है लेकिन उसमें सिर्फ दो ही डैश दिया था मगर इसमें चार डैश है ये मार्च 2019 और मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन इसमें दो ऑलरेडी दिया था एक तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस और दूसरा सिमिलैरिटीज़ इन बोन स्ट्रक्चर बाकी चार क्या आएगा वेस्टिजियल ऑर्गन्स पैलियंटोलॉजिकल एविडेंस कनेक्टिंग लिंक्स और एम्ब्रियोलॉजिकल तो ये मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन और मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम ये भी दो मार्क के लिए लेकिन इसमें सिर्फ दो ही डैश है तो हर एक डैश के लिए एक मार्क है एनाटामिकल एविडेंस पूछा है उसमें से दो ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में ह्यूमन हैंड और पैटेगियम पैटीजियम ऑफ बैट बाकी दोनों क्या रहेगा कैट्स फोलेग और दूसरा रहेगा फ्लिपर ऑफ वेल ये जो आंसर है वो पेज नंबर फोर में है और ये सितंबर पेज नंबर फोर का टेक्स text, बुक का पेज नंबर फोर में है और ये सितंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन सिक्स वॉट डू मीन बाय फॉसल्स राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉसल्स ये लेसन नंबर वन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसी में से ये क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन सेवन ई का आंसर है ये जब एंड ऑफ द लेसन का एक्सरसाइज लेसन नंबर वन का एक्सरसाइज जब भी मैंने वीडियो अपलोड किया था हेड फॉर गॉड टू मैंशन कि ये कौन से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था तो आंसर फर्स्ट लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स गेट बारीड ड्यू टू डिजास्टर लाइक फ्लड Earthquake, volcano, etc. Remnants and impression of such organisms remain preserved underground. These are called as fossils. The second point kya hai? carbon consumption of animals and plants stops after death and since then. Only the decaying process of C14 occurs continuously. In case of dead bodies of plants and animals, instead of remaining constant, the ratio between C14 and C12 changes continuously as C12 is non radioactive. The time passed since the death of a plant and animal can be cal calculated by measuring the radioactivity of c14 and ratio of c14 to c12 present in their body. third point it seems it seems the vertebrates have been slowly originated from invertebrates hence the fossils of invertebrates are found buried deep as they are very old and belong to paleozoic era the fossils of pisces amphibians and reptiles were obtained above the layer the mesozoic era was dominated by reptiles while the cenozoic era showed the presence of mammals and birds fourth point thus the study of fossils and carbon dating method is used in paleontology and anthropology फॉर डिटमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसल्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट यह जो आंसर है वो पेज नंबर टेक्सट बुक का पेज नंबर फाइव और सिक्स में मिलेगा और जो थर्ड पॉइंट जो मैंने इसमें मैंशन किया है दैट आंसर यू विल नॉट गेट इन द टेक्सट बुक बट डायग्राम दिया है पेज नंबर सिक्स में जो डाइग्राम दिया है दैट इज वन पॉइंट एट डायग्राम वो डायग्राम में सीनोजोइक मिसोजोइक और पैलोजोइ एरा के बारे में बताया गया है सो यू हैव टू सी द डायट ऑन दर्ड पॉइंट और ये कौन सा ईयर में पूछा गया था सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में पूछा गया था सेवेंथ क्वेश्चन राइट दी राइट दी ऑब्जेक्शन रेस्ड अगेंस्ट डारविंस थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सो आंसर इज वॉट द ऑब्जेक्शन रेस्ड अगेंस्ट डारविंस थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आर फर्स्ट पॉइंट नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन सेकेंड पॉइंट Darwin did not mention any explanation about useful and useless modification. Third point, there is no explanation about slow changes and abrupt changes. ये जो आंसर है textbook में पेज नंबर सेवन में दिया है और ये मार्च 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था और मार्च नॉट मार्च नवंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में दे हैड आस्ट डिस्क्राइब ब्रीफली द डारविन थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तो ये लेसन नंबर वन का जो एक्सरसाइज का जो वीडियो है उसमें इसका आंसर ऑलरेडी मेंशन किया है सो यू कैन सी दैट वीडियो एंड गेट द आंसर एक्स्ट्रा साइंस टू लेसन टू एक्स्ट्रा क्वेश्चन आस्ड इन बोर्ड एग्जाम फर्स्ट वन राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव उसमें से फर्स्ट वाला क्या है सोमैटिक एंड स्टेम सेल्स अंडर गो डैश डिविजन ऑप्शन क्या दिए है ए मियोसिस बी माइटोसिस सी बडिंग डी क्लोनिंग तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बी माइटोसिस तो ब्लैंक में क्या आएगा माइटोसिस डिवीजन ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था सेकेंड वन इन माइटोटिक डिवीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स इन डैश ऑप्शंस क्या दिया है ए टीलोफेस बी प्रोफेस मेटाफेस डी एनाफेस तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सी मेटाफेस तो ब्लैंक में आएगा मेटाफेस ये नवंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था थर्ड वन द स्पिंडल फाइबर स्टार्ट्स अपियरिंग फ्रॉम डैश स्टेज ऑफ काइरोनिस ऑप्शन क्या दिया है ए प्रोफेस बी मेटाफेस सी एनाफेस डी टीलोफेस तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बी मेटाफेस तो ब्लैंक में मेटाफेस आएगा और ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था फोर्थ वन ऑल क्रोमोजोम्स आर अरेन्ज पैरेलल टू इक्वेटोरियल फेस ऑफ सेल इन डैश ऑफ माइटोसिस ऑप्शन क्या दिया है ए प्रोफेस बी मेटाफेस सी एना फेस डी टीलो तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बी मेटा तो ब्लैंक में आएगा मेटाफेस ये सेप्टेम्बर 2021 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था सेकेंड क्वेश्चन नेम द फॉलोइंग विच मॉलिक्यूल्स आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्मा मेम्ब्रेन आंसर क्या है फॉसफोलिपिड्स ये आंसर पेज नंबर 16 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 16 में मिलेगा और ये नवंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था थर्ड वन डिफ्रेंशियट डिफ्रेंशियट बिटवीन माइटॉस एंड मियास कोई भी तीन पॉइंट लिख सकता है इन द ब्रैकेट देव गिवे एनी थ्री पॉइंट तो कोई भी तीन पॉइंट लिख सकते हैं आंसर माइटॉस डिफ्रेंशियट बिटवी माइटॉसिस एंड मीओस फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहेगा वन सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स इन माइटॉसिस और इसमें क्या आएगा वन सेल गिव राइज टू फोर डॉटर सेल्स इन मीओस सेकेंड पॉइंट माइटोसिस इज असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या आएगा मीओसिस इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थर्ड पॉइंट माइटोसिस प्लेस बोथ इन सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स और यहाँ पे आएगा मियोसिस टेक्स प्लेस ओनली इन जर्मीनियल सेल्स ये सेप्टेम्बर टू का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था फोर्थ क्वेश्चन वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सरसाइजिंग आंसर क्या है फर्स्ट वाइल्ड परफॉर्मिंग एक्सरसाइज आर मसल परफॉर्म एनरॉबिक रेस्पिशन सिंस दैर इज शॉर्टेज ऑफ आक्सीजन सेकेंड पॉइंट ड्यू टू दिस लैस अमाउंट ऑफ एनर्जीज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी एंड लैक्टिक एसिड एक्मलेट ड्यू टू विच वी फील टायर थर्ड पॉइंट हैंस वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सरसाइजिंग ये आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर फिफ्टीन में मिलेगा और ये मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और नवम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी के बोर्ड एग्जाम में उन लोग ने पूछा था वाइल्ड परफॉर्मिंग एक्सरसाइज वी फील टायर तो आंसर वही है सिर्फ थर्ड पॉइंट चेंज करने का यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या लिखना है ए हैंस

एंड के ये आंसर टेक्स्ट बुक में पेज नंबर सेवनटीन में मिल जाएगा और ये जुलाई टू थाउजेंड नाइनटीन में ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था सिक्स क्वेश्चन ड्रॉ अ नीट ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम एंड लेबल द पार्ट्स क्या कौन सा कौन सा पार्ट्स लेबल करना है ए सेंट्रोमियर और बी पी आम ये डायग्राम है और ये डायग्राम पेज नंबर एटीन टेक्सट बुक का पेज नंबर एटीन में मिल जाएगा और ये पी आम है देयर आज ओनली टू थिंग्स टू लेबल सेंट्रोमीयर और पी आम तो ये पी आम है और ये है सेंट्रोमीयर और ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन सेवन सेल डिविजन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स ये जो क्वेश्चन है लेसन टू का एंड ऑफ द लेसन में जो एक्सरसाइज है उसमें से क्वेश्चन फोर सी क्वेश्चन फोर सी का ये क्वेश्चन है आंसर फर्स्ट पॉइंट सेल डिजन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स सेकेंड पॉइंट ड्यू टू सेल डिविजन अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस एंड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज अप थर्ड पॉइंट सेल डिविजन इज नेसेसरी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ इमेसिएटेड बॉडी

और सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा गया था नेक्स्ट एट क्वेश्चन वॉट आर विटामिन राइट टू टाइप्स ऑफ विटामिन आंसर क्या है फर्स्ट पॉइंट विटामिन आर ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस कंपाउंड ऑफ विच ईच इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन द बॉडी सेकेंड पॉइंट द टू टाइप्स ऑफ विटामिन फैट सोलेबल विटाम विच आर वॉट विटामिन ए डी ई एंड के एंड सेकेंड वन इज वॉट वाटर सोलेबल विटामिन विच आर विटामिन बी एंड सी ये टेक्सट बुक का पेज नंबर सेवनटीन में ये आंसर मिल जाएगा और ये मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था